अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इतवार है और बहुत ही हसास मौजू आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, लिहाजा सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं कि इस मौजू को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यूट्यूब हो या फेसबुक हो या सोशल मीडिया में अगर फलस्तीन पर हम वीडियो बनाते हैं तो इस रीच को कम किया जाता है और आगे बढ़ाने पर फेसबुक यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया में इसे रोक लगा दी जाती है। लिहाजा आज के मौजू को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मौजू उस शख्स का है जिसके नाम से दुनिया की सुपर पावर की नींद उड़ जाती है। आज पूरी दुनिया में एक नाम का चर्चा जारी है और वह है अज़दीन अल कसाम ब्रिगेड, यानी हमास का तर्जमान अबू उबैदा। अमेरिका और इसराइल इस नाम से कांप रहे हैं। कहते हैं कि इसराइल की तरक्की को 20 साल पीछे धकेलने वाला कोई शख्स है तो वह अबू उबैदा। वाज़ह रहे यह वही अबू उबैदा है जिसने 2020 में कहा था कि मुस्तकिल जद्दोजहद जारी रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब दुश्मन यानी इसराइल और अमेरिका ताज्जुब से अपनी उंगलियां चबाते रह जाएंगे। लिहाजा आज अबू उबैदा की तलाश दुश्मन इस्लाम की हर वो ताकत कर रही है। पर अबू उबैदा कुछ लम्हों के लिए टीवी पर आता है, एक पैगाम देता है और चला जाता है, और वो कुछ बातें बताकर चला जाता है जिसके बाद इसराइल और अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। आपको कुछ बातें अबू उबैदा की बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि महज मौजूदा हालात में बड़े पैमाने पर चर्चा अबू उबैदा की जा रही है। लेकिन इसराइल जैसे सुपर पावर भी घुटने टेकने पर लाने का जो जिगरा जो अबू उबैदा रखता है उसके बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है। 2021 में इसी तरह फलस्तीन इसराइल जंग के दौरान अबू उबैदा ने कहा था कि तेल अवीव, डिमोना, अशदोद, अश्केलोन और बेशरबा पर हमला करना हमारे लिए पानी पीने से ज्यादा आसान है, और कहा कि दुश्मन से लड़ते वक्त कोई सुर्ख सरहद नहीं होती, सिर्फ इकदाम और हमला होता है। अल्लाह के फजल से दुश्मन के जालिम फौज को शर्मसार करने की काबिलियत हम रखते हैं। हाल ही में 7 अक्टूबर के हमले ने पूरी दुनिया को ताज्जुब कर दिया। दुनिया का जदीद तरीन आयरन डोम नाकाम साबित हुआ तो अमेरिका इसराइल को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमास और अल कसाम के अबू उबैदा को खत्म करना जरूरी हो गया, क्योंकि कोई छोटा शख्स बड़े को मात देता है तो उसकी बाजार में कीमत गिर जाती है। लिहाजा तिल मिलाए हुए इसराइल अमेरिका ने गाजा पर हमले मुस्तकिल जारी किए। अबू उबैदा आखिर कौन है जो दुनिया के तीन सुपर पावर को चुनौती दे रहा है? आइए आज इसी पर तस्करा करते हैं। पूरी दुनिया के इस्लाम दुश्मनों के रातों की नींद उड़ाने वाला आखिर अबू उबैदा कौन है? अब तक किसी ने भी अबू उबैदा का चेहरा नहीं देखा, लेकिन इसके एक बयान पर लाखों की तादाद में लोग घरों से निकलते हैं। एक तरह से इस्लामी दुनिया का मुहाफिज बनकर अबू उबैदा को उभरते हुए देखा जा रहा है। जितना किसी मुल्क की हुकूमत से आवाम मोहब्बत नहीं करती, उतनी मोहब्बत इस्लामी दुनिया के खवातीन और मर्द अबू उबैदा से करते रहे। हाल ही की जंगबंदी में इसराइल ने कई खवातीन, बच्चों, नौजवानों को 8 साल बाद रिहा किया तो इसराइल जेल से बाहर आते ही सजदा शुक्र अदा करते हुए फलस्तीन माओ बहनों ने कहा कि हम अबू उबैदा पर फक्र करते हैं। ये गुमनाम शख्स उम्मत मुस्लिमा की धड़कन बन चुका है। अबू उबैदा का असली नाम तो अब तक किसी को नहीं मालूम, पर यह नाम सहाबी अबू उबैदा इब्न अल जर्रा से लिया गया है, जिन्होंने नबी रहमत के साथ कई जंगे लड़ी, खासकर यरमूक की लड़ाई में इस्लामी फौज के कमांडर रहे, और सन 636-637 में यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान की कमान अबू उबैदा बिन जर्रा के हाथों में ही थी। खैर, इन्हीं सहाबी की सीरत से मुतासिर होकर अबू उबैदा का नाम रखा गया, ऐसा कहा जाता है। हासिल इत्तला के मुताबिक अबू उबैदा जब महज 7 साल के थे तब इनके पूरे खानदान का कत्ल इसराइली फौजियों की जानिब से किया गया। मुसलमानों पर होती जुल्म ज्यादती को लेकर यही अबू उबैदा जवान हुआ। 2006 में हमास के जुलूस में इन्होंने शिरकत की थी, ऐसा बताया जाता है, पर उस वक्त भी इसी तरह चेहरे पर नकाब ही पहना था। अबू उबैदा का असली नाम न तो उनके करीबी जानते हैं और न ही हमास का या अल कसाम का कोई फर्द जानता है। वाज़ह रहे कि 2006 में आयरन डोम को पहले भी अबू उबैदा ने ही हैक किया था। कहा यह भी जाता है कि 2006 में आयरन डोम हैक करने से लेकर गाजा में जमीनी सुरंगों का जाल फैलाने तक का आइडिया अबू उबैदा का ही रहा है। यहां तक हाल ही में फिल्मी अंदाज में आसमान से इसराइल में घुसकर इसराइलियों को जहन्नम रसीद करने का भी मंसूबा इसी अबू उबैदा का बताया जाता है, और यही वजह है कि अरबों खरबों रुपए इसराइल अमरीका अब अबू उबैदा की खोज में अब तक गंवा चुके हैं और अभी भी तलाश कर रहे हैं। दीवानावार अबू उबैदा की तलाश दुश्मन इस्लाम को है और हर बार दुश्मन मात खाता नजर आ रहा है। कई मुल्कों के खाक छानने के बावजूद भी अबू उबैदा हाथ नहीं लगाए। दुनिया की सुपर पावर एजेंसियां, खासकर यूएस की CIA और इसराइल की मोसाद नाकाम और नामुराद लौट रही है। अब इसी मोसाद और अमेरिका की बातों में आकर फलस्तीन पर हमला इसराइल ने किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मईशत इसराइल की पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, $150 अरब का नुकसान हुआ है। साथ में जो दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी कहे जाने वाली मोसाद दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी बड़े मुल्कों को फराम करने वाली इसराइल और खुफिया एजेंसी मोसाद की नाकामी की वजह से इसराइल 20 साल पीछे जाने की बात कही जाए। खुद इसराइल के अवाम अब इसराइल की हुकूमत पर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं।
2014-15 में भी कम उम्र हैकर नमूदार हुआ जिसने आयरन डोम को हैक कर इसराइल पर हमला किया था, जिसका नाम उमर था। उमर नाम का एक कमसिन लड़का जिसने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम को हैक किया था। इसराइल को उसके नुकसान से ज्यादा उस लड़के की तलाश थी जिसने आयरन डोम को हैक किया था। हैकर ने एक और इकदाम करते हुए दुनिया के मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम आयरन डोम को 2016 में फिर हैक किया। अब इसराइल तिलमिला उठा। कहते हैं कि जादूगर की जान तोते में, उसी तरह से इसराइल की जान इस आयरन डोम में थी और इस आयरन डोम को ही उमर ने तबाह किया था। अब इसराइल तिलमिला उठा। उमर ने 2017 तक हमास के लिए काम किया। जब उसके पीछे तमाम दुनिया की खुफिया एजेंसियां पढ़ने की इत्तला हासिल हुई तो उमर तुर्की के इस्तांबुल में जाकर रहने लगा। लिहाजा इसकी भनक मोसाद को हुई और अब तुर्की को भी अंदाजा लग गया कि उमर कोई मामूली नौजवान नहीं है। तुर्की की खुफिया एजेंसी जिसे मिल्ली इश्तेवारात तश्किलात कहते हैं ने उमर को तुर्की से मलेशिया भेजा, क्योंकि उमर ने तुर्की में मोसाद के भेस बदल कर आते एजेंटों को पहचान लिया था। तुर्की भी उमर के लिए महफूज ठिकाना था, पर मलेशिया नहीं रहा। कुछ ही दिनों में उमर को मोसाद ने गिरफ्तार कर लिया और आयरन डोम कैसे हैक किया कहते हुए जबरदस्त टॉर्चर किया। कहते हैं तुर्की की खुफिया एजेंसी ने उमर के जिस्म में ट्रैकिंग चिप लगा रखा था, जिसकी बिना पर उमर को तुर्की ने मोसाद की हिरासत से वापस इस्तांबुल बुला लिया, जिसके बाद उमर को तुर्की ने कहां रखा अब तक किसी को पता नहीं। अब ये खबर भी गश्त कर रही है कि वो उमर ही अबू उबैदा है। इसीलिए तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान सबसे ज्यादा फलस्तीन को विजिट करते हैं। यहां तक कि सबसे ज्यादा फलस्तीन को इमदाद भेजने वालों की फहरिस्त में तुर्की अव्वल नंबर पर है। खैर, अब तक इसराइल की मोसाद के चर्चे, खबरें, इनकी चालाकी, इनकी ताकत, इनकी जदीद टेक्नोलॉजी पर फिल्में बनी, तबसरे हुए, बहस मुबादले देखे जाते रहे, लेकिन अब उबैदा ने इनकी हवा निकाल दी और दुनिया को बता दिया कि मोसाद कुछ भी नहीं। पिछले 50 सालों में सबसे खतरनाक हमला हमास की जानिब से किया गया, जिसका मास्टरमाइंड अब उबैदा ही कहा जा रहा है। 20 मिनट में 5000 रॉकेट हमलों को लेकर अब तक इसराइल सदमे में है और साथ में अमेरिका भी हैरान है। जमीनी सुरंगों का जो जाल अब उबैदा ने फैलाया हुआ है, आज भी दुनिया इस पर हैरानी जाहिर करती है। आज सबसे ज्यादा अगर चर्चा का मौजू है तो वो अब उबैदा है। दुनिया में चीन हो, अमेरिका हो या कोरिया, जापान अपने तसल्लुत हथियार कोत के बलबूते पर इख्तदार और सुपर पावर होने का दावा करते हैं, पर इन सबसे ऊपर अब उबैदा का नाम लेना इसे क्या कह सकते हैं। खैर, जितनी भी मालूमात हमें अबू उबैदा को लेकर हासिल थी आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आपको आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।